आपका स्वागत है। मैं वर्षा सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, लेट नहीं होने से कोविड जांच, मशीन पड़ी बंद, फर्जी डिग्री से शिक्षकों ने ले ली पदोन्नति, सरूपगंज में विधायक ने पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा, 20वीं कामेश्वर महादेव पैदल यात्रा आयोजित, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भाजपा के विरुद्ध की प्रेस वार्ता, विधायक ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। अब समाचार विस्तार से। लेट नहीं होने से कोविड जांच, मशीन पड़ी बंद। शिवगंज से किशोर आर्य की रिपोर्ट के अनुसार शिवगंज सिरोही जिले की बड़ी खबर, कोविड 19 जांच की लैब में 3 दिनों से जांच नहीं हो रही है। जिले भर की 446 टेस्ट जांच बाकी है, जिस पर प्लेटों का खत्म होना चिकित्सा विभाग द्वारा जयपुर प्रदेश चिकित्सा विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी नहीं पहुंचने के कारण लैब का कार्य बंद पड़ा है। फर्जी डिग्री से शिक्षकों ने ले ली पदोन्नति। भारतीय जनता की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान शिक्षा विभाग में शिक्षक पदोन्नति में विसंगतियों का फायदा लेने के लिए फर्जी डिग्री का सहारा लेने का गोरख धंधा चल रहा है। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री राव गोपाल सिंह कोसालिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा व शिक्षा निदेशक से पदोन्नति के पात्र शिक्षकों की डिग्री जांचने के बाद पदोन्नति देने की मांग की है। राजस्थान के शिक्षा विभाग में भविष्य निर्माता ही नेकी का रास्ता छोड़कर निजी लाभ हेतु फर्जीवाड़ा करते पकड़े जा रहे हैं। वहीं राज्य भर में इस प्रकार के मामले आने पर उनकी जांच करने व कार्रवाई करने की मांग की गई। स्वरूपगंज में विधायक ने पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा। माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार स्वरूपगंज कस्बे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कस्बे के सुभाष सर्कल पर काढ़ा पीने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया ने अपने हाथों से लोगों को काढ़ा पिलाया। विधायक ने बताया कि कोविड 19 को देखते हुए स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पीना बहुत ही लाभप्रद है। साथ ही सभी लोगों को हिदायत दी गई कि कोरोना वायरस को देखते हुए जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले, मुंह पर मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे। काढ़ा का आयोजन स्वरूपगंज गायत्री मेडिकल के लक्ष्मण राजपुरोहित के सौजन्य से आयोजित किया गया। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। किशोर आर्य की रिपोर्ट के अनुसार शिवगंज सनातन धर्म सेवा समिति शिवगंज द्वारा आयोजित 20वीं कामेश्वर महादेव पैदल यात्रा आयोजित की गई। पैदल यात्रा घनश्याम महाराज कठवला उदयपुर के मठाधीश के सानिध्य में शहर के हृदय स्थली स्थित गोल बिल्डिंग के गजानन मंदिर में ढोल गाजा बाजा के साथ मंदिर में दर्शन कर ज्योत प्रज्वलित कर प्रारंभ की गई। कोरोना की महामारी के चलते इस बार जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस पैदल यात्रा में शरीक होते हैं, वहीं प्रशासन द्वारा इस बार मात्र 30 श्रद्धालुओं को ही परमिशन देने से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शिवगंज से 13 किलोमीटर दूर कामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर कोरोना जैसी इस महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भाजपा के विरुद्ध की प्रेस वार्ता। किशोर आर्य की रिपोर्ट के अनुसार शिवगंज कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं सिरोही विधानसभा प्रत्याशी रहे जीवाराम आर्य ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर स्पीक अप सेव डेमोक्रेसी अभियान के तहत अपने निवास पर प्रेस वार्ता की।
जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार पर लोकतंत्र को बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के लिए हर रोज नए नए हथकंडे अपना कर जनता को भ्रमित कर रही है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधायक ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। किशोर आर्य की रिपोर्ट के अनुसार सिरगंज पिंडवाड़ा माउंट आबू विधायक समाराम करासिया ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। विधायक ने स्वरूपगंज में आयुर्वेदिक विभाग के कंपाउंडर राजेंद्र कुमार नितोड़ा व घनश्याम मीणा एवं बावरी उप तहसीलदार गणपत सिंह चौहान ग्राम पंचायत बावरी के गोपाल मोरासा को माला एवं साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। वहीं ग्राम पंचायत बावरी में कार्यरत गोपाल मोरासा को पीपी किट भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन सभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।